बच्चों आज हम क्या करेंगे, चैप्टर 13 ह्यूमन रिसर्च का जो क्वेश्चन आंसर है उसको डिस्कशन करेंगे। ओके बच्चों, तो सब लोग ध्यान से देखो। तो देखो बच्चों, इंडिया इज ब्लेस विथ रिच, क्या होगा मल्टीपल जो इस क्वेश्चन है, इंडिया इज ब्लेस विथ रिच नेचुरल रिसोर्सेस होगा या नॉन रिच नेचुरल होगा या आर्टिफिशियल होगा। तो बच्चों इसका आंसर होगा नेचुरल रिसोर्सेस, इंडिया इज ब्लेस विथ रिच नेचुरल रिसोर्सेस। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए लार्ज नंबर ऑफ इंडियंस लिव बिलो द, क्या होगा स्टैंडर्ड लाइन होगा, पॉवर्टी लाइन होगा या रिच लाइन होगा। जो बच्चों इंडिया का लार्ज नंबर ऑफ लोग कहाँ रहते हैं, स्टैंडर्ड लाइन के नीचे, पॉवर्टी लाइन या रिच लाइन। बच्चों इसका आंसर होगा पॉवर्टी लाइन। ओके ए लार्ज नंबर ऑफ इंडियंस लिव बिलो द पॉवर्टी लाइन। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, एजुकेटेड पीपुल नो द बेनिफिट ऑफ ए टैक्स। बच्चों एजुकेटेड पीपुल क्या बेनिफिट जानते हैं, बिग फैमिली, स्मॉल फैमिली या एक्सटेंड फैमिली। इसका आंसर क्या होगा बच्चों, स्मॉल फैमिली। द मेन रीजन्स फॉर पॉवर्टी इन इंडिया इज अनएम्प्लॉयमेंट है या ओवर पॉपुलेशन है वो अर्बनाइजेशन है। बच्चों इसका आंसर होगा बच्चों ओवर पॉपुलेशन। नेक्स्ट बच्चों, द पीपुल ऑफ आवर कंट्री आर कॉल्ड इट्स डैक्स। इसका आंसर क्या होगा बच्चों, इसका आंसर होगा ह्यूमन रिसोर्स, द पीपुल ऑफ आवर कंट्री आर कॉल्ड ह्यूमन रिसोर्स। नेक्स्ट, द गवर्नमेंट इज मेकिंग एफर्ट टू एंश्योर द डैक्स यूज ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। द गवर्नमेंट इज मेकिंग एफर्ट्स टू एंश्योर द डैक्स यूज ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। बच्चों इसका आंसर होगा ऑप्टिमल। ओके नेक्स्ट, ओनली डैक्स पीपुल कैन कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री, ओनली डैक्स पीपुल कैन कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री, ओनली बच्चों एजुकेटेड पीपुल। ओके इसका आंसर होगा एजुकेटेड। इन ऑर्डर टू रिमूव डैक्स स्कूल हैव बीन सेटअप इन विलेज, इन ऑर्डर टू रिमूव डैक्स स्कूल हैव बीन सेटअप इन विलेज। इलिटरेसी। ओके क्या होगा, इलिटरेसी होगा इसका आंसर। 3 out of 4 इंडियन लिव इन डैक्स विलेज, ये तो सबको बच्चे पता है, बच्चों विलेज में रहते हैं।